ओम शांति। आज की तारीख है 20/9/15 और आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के बीच क्या अंतर है और वो अंतर क्यों है, उसके कारण और उस कारणों को मिटाने का निवारण क्या है। तो आज मीठे मीठे बाप दादा ने उन कारणों को मिटाने का निवारण आज की ज्ञान मुरली के द्वारा सुनाया है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज हरेक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। अभी आप ही सोचिए कि हम सभी का डबल स्वरूप क्या होगा और कैसा होगा। जो बाबा को दिखाई पड़ता है, सोचो, जो बाबा को दिखाई पड़ता है क्या हमें भी वो दिखाई पड़ता है। आइए सुनते हैं बाबा को क्या दिखाई पड़ा, कौन सा डबल रूप। एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो स्वरूप। दूसरा देखा बाबा ने वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, यानी संगम युगी ब्राह्मण जीवन हमारी अंतिम जन्म है, तो उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप है, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप है। बाबा ने दो लक्ष्य बताए हुए हैं, संगम पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है और फिर हम ब्राह्मणों को इस पढ़ाई से देवता स्वरूप बनना है। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया बाबा ने। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी में और संपूर्ण में अंतर क्या है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था, नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप, अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो, अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है।
संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण। हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना, वहां क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। अच्छा, अभी क्या सुनेंगे? मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा याद प्यार, ऐसे सदा स्वचिंतक और शुभचिंतक, सदा फॉलो फादर, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं के द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के द्वारा वरदान और स्लोगन। तो आज का सतगुरु बाबा का वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव कि नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी, नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रालब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसॉफी के अनुसार, यानी कर्म फिलॉसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती, वो सोचते हैं भावी जब यही बनी हुई है तो फिर हम करेंगे तो क्या फायदा, प्राप्ति तो होने वाली नहीं, फल तो मिलने वाला नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे हमें उदास निराश नहीं होना है, दिल शिकस्त भी नहीं करनी है। आप कहते हो कि ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। तो यही बात हम उन दिल शिकस्त आत्माओं को समझाएं, साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही ऐसा उसको निश्चय बुद्धि भी बनाएं। स्लोगन है आज का बहुत ही अच्छा, कहना कम माना बोलना कम। बोलना माना जैसे आदेश उपदेश
ये सब कहना कम कि आप ये करो ये करो, ये धारणा करो, ये गुण धारण करो, ये अवगुण छोड़ो। बाबा कहते कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। पक्का हुआ सभी को, कहना कम और खुद करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।